वो तो जिहाद देखा। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है, वोट जिहाद मूवमेंट का। महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद से लेकर धर्म युद्ध तक बयानबाजी चल ही रही थी कि गुनाह की एक कहानी में सियासत ने घुसपैठ कर ली। मालेगांव में फर्जीवाड़े से लेन देन का मुकदमा क्या कायम हुआ, बीजेपी ने उसमें वोट जिहाद वाली सियासत सूंघ ली, फिर तो हफ्ते भर के अंदर मामले में ईडी की एंट्री हो गई, दो आरोपी पकड़ लिए गए और 23 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया दावा करने लगे कि ईडी ने जो कार्रवाई की है वो वोट जिहाद से जुड़ा मामला हो सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों का संदिग्ध लेन देन किया गया है। वोट जिहाद के द्वारा मुस्लिमों को भड़काना, 100% मतदान करो और वो 100% के 100% मोदी बीजेपी को हराने वाले को जाए, इसके लिए ये जो इतना बड़े प्रमाण में प्लानिंग पैसा, उसका हेतु इतना ही है, मोदी को हराओ भाजपा को हराओ। मामला महाराष्ट्र के मालेगांव का है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र और गुजरात में नासिक, सूरत, अहमदाबाद, मालेगांव, मुंबई समेत 23 जगह पर छापेमारी की। जांच एजेंसियों को शक है मालेगांव के नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में एक दर्जन से अधिक खातों में संदिग्ध लेन देन हुआ, जिसमें हवाला के जरिए पैसे इधर से उधर किए गए। मालेगांव पुलिस थाने में दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक सिराज अहमद नाम के आरोपी ने मालेगांव के करीब एक दर्जन गरीब युवकों को एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलाने के नाम पर आधार, पैन जैसे दस्तावेज लिए, उनका इस्तेमाल करके बैंक में खाते खोले गए और उन खातों में करोड़ों रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ। युवकों को जब खाते में करोड़ों रुपए आने और निकाले जाने का पता चला, उन्होंने पुलिस में मुकदमा किया। इस मुकदमे के बाद बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया आरोप लगाते हैं कि सिराज अहमद, हारून मेमन, मोहम्मद साजिद, मोइन खान जैसे आरोपियों ने मालेगांव के रहने वाले जयेश, गणेश, प्रतीक, पवन, मनोज, धनराज, राहुल, राजेंद्र, दिवाकर, भावेश, ललित और दत्तात्रेय जैसे युवकों के नाम पर 12 बैंक खाते खोले। उसमें उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे 7 राज्यों की 175 बैंक शाखाओं से 2,200 बार पैसे डाले गए, जिसमें 125 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में आए और 315 बार में सारे पैसों की निकासी कर ली गई। इसी मामले की कानूनी जांच चल रही है, जिसे बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वोट जिहाद से जोड़ दिया है। फर्जीवाड़े और हवाला की कहानी को बीजेपी नेता किरीट सोमैया वोट जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं, उसके पीछे का राजनीतिक कारण कुछ ये समझ में आता है कि ये पूरा मामला मालेगांव का है और मालेगांव सेंट्रल में पिछले 7 चुनावों में सिर्फ एक बार बीजेपी आगे रही। इस सीट पर करीब 80% मुस्लिम आबादी है। मालेगांव सेंट्रल की सीट की चुनावी जंग ऐसी है, यहाँ सभी 13 प्रत्याशी मुस्लिम ही हैं और यहाँ का वोटिंग पैटर्न कुछ ऐसा रहा है कि 2019 विधानसभा चुनाव में यहाँ ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को 1,16,906 वोट मिले, जीत AIMIM की हुई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार रहे, जिन्हें 78,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार को सिर्फ 1,438 कुल वोट मिला, नोटा को भी जबकि 1,143 वोट मिला था। मालेगांव सेंट्रल सीट पर बीजेपी की इतनी खतरनाक मुखालफत की वजह बीजेपी को कुछ और समझ में नहीं आती और इसे ही शायद किरीट सोमैया जैसे नेता वोट जिहाद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि 2019 में मालेगांव सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को 0.72% वोट मिला, 2014 में शिवसेना उम्मीदवार यहां उतरा, उसे 0.82% वोट मिला, 2009 में बीजेपी उम्मीदवार को मालेगांव सेंट्रल सीट पर केवल 0.53% वोट मिला। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने मालेगांव सेंट्रल में उम्मीदवार भी नहीं उतारा और महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन को मिलने वाले मुस्लिम वोट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 20% से अधिक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाली 38 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 20 सीट पर 2019 के असेंबली वोट के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान NDA का वोट बढ़ा है, 18 सीटों पर घटा है। लेकिन इस बढ़ोतरी में अजीत पवार की NCP का बड़ा योगदान है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर देश तक की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में NDA को देश भर में सिर्फ 8% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि इंडिया गठबंधन को 65% मुस्लिम वोट। महाराष्ट्र में NDA ने 12% और इंडिया गठबंधन ने 74% मुस्लिम वोट हासिल किया। चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं की ओर से की जाने वाली
इस वोटिंग से परेशान बीजेपी अब वोट जिहाद जैसे नारे उछालती है ताकि मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण वाली रवायत को देखते हुए बहुसंख्यक वोटों को एकजुट किया जा सके। मालेगांव से देव कोटक के साथ आज तक ब्यूरो